नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश में गुस्से और आक्रोश जारी है, तो वहीं प्रदेश के खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी सेना के ऊपर पत्थर मारने वाले पत्थरबाजों और उनके समर्थन में हमेशा उतरने वाले अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एक बड़ा बयान दे डाला। काशीपुर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शिरकत करने पहुंचे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि उनके हमारे यहाँ के निर्दोष नौजवानों को मारकर हमारे यहाँ की बहन बेटियों को विधवा बनाया जाता है, तो उनके यहाँ की बहन बेटियों को भी विधवा बनाना चाहिए। की गई है जो इस देश के बच्चे हैं, और इन बच्चों की हत्या में पाकिस्तान में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, और जिस देश के अंदर हमारे नौजवान बच्चों की हत्या करने की साजिश रची जाती है उसे मिट्टी का कोई भी खिलाड़ी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। हमारे सैनिकों के जीवन से बड़ा खेल भावना नहीं हो सकता, चाहे किसी फॉर्मेट में भी कोई खिलाड़ी, कोई कोच, कोई एम्पायर अगर जो आएगा तो वो जिंदा जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब हमारे सैनिकों की बेवजह निर्दोष हत्या की जाती है, हमारी बहन बेटियों को विधवा बनाया जाता है, तो वहाँ के लोगों को बनना चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें? अभी आपने अलग बोली मानी, बिल्कुल। अगर जो हमारे बच्चों की देश की हिफाजत करते करते उनकी हत्या की जा सकती है, तो आतंकवादियों को बचाने के लिए अगर जो कश्मीर के बच्चे खड़े होकर हमारे सैनिकों को पत्थर मारेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने सैनिकों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको गोली मारनी चाहिए, कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं। अलगाववादी नेता भी अगर जो अलगाववादी नेता भी अगर जो देश में बाधक बनते हैं, हमारी सैनिकों की हत्या में शामिल होते हैं, तो उनको भी गोली मारनी चाहिए, कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं। वही उत्तरकाशी के डामटा में विवाह समारोह में शिरकत करने में मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि वह समय समय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं, ऐसे में उनका उत्तराखंड से वोट का रिश्ता नहीं है, वे भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के टेस्ट का समय आ गया है, जिसके लिए सभी नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव पर काम नहीं करती, वह सदैव जन समस्याओं को लेकर जनता के साथ जुड़ी हुई रहती है। से एक लगाव है, खाली वोट का रिश्ता नहीं, भावना से जुड़े हैं, और राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की अब जो है वो टेस्ट होगा हम लोगों का आने वाले चुनाव में, तो पार्टी तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव टू चुनाव काम नहीं करती सर, वो सदैव जन समस्याओं को लेकर के जुड़ी रहती है, संगठन मजबूत है। पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जिस तरह का आज देश में माहौल है और जो आज मोदी जी की छवि है, स्पष्ट बहुमत से फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी आएगी। जवाब आपको मार्च में मिलेगा जब लिस्ट आउट होगी। तो कई आतंक के हमले इस देश ने देखे हैं और झेले हैं, और अब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारत सरकार का रुख बहुत साफ है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो विदेश नीति है वो रंग ला रही है, अलग थलग हो रहा है पाकिस्तान। आपने देखा कि यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार नाम लिया जैश ए मोहम्मद का, कि इस पर जो है रोक लगानी चाहिए। चाइना तक को अपना जो है वो बदलना पड़ा रुख। आपने देखा कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कई देश इस वक्त भारत के साथ हिम्मत का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, कि जो स्पेशल स्टेटस था पाकिस्तान का उसको विड्रॉ किया, सारे आर्थिक पाबंदी लगाई जा रही है उन पर, जो हमारा जल नदियों का जा रहा था पाकिस्तान में, जिसको जिस पे हमारा हक है उसको रोकने की बात हो रही। तो हम अब हर तरह से पाकिस्तान के साथ, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, युद्ध रूप से हो, सेना के रूप से हो, अब जवाब का जवाब। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार के जरिए भारत में आज किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना का जसपुर के 25,000 किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार के जरिए चलाई गई किसान सम्मान निधि के आज उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री के जरिए इसका शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जसपुर विधानसभा के 25,000 किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार देश भर में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5 एकड़ से कम खेती हर किसान को वर्ष में 6,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। सरकार पहली किस्त में
1000 रुपए लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंचाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है, जिसके तहत पार्टी के जरिए विधानसभा स्तर कार्यक्रम के रूपरेखा को अंतिम रूप देकर अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसके तहत बीजेपी के जरिए कल त्रिशक्ति कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और आगामी कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के टिप्स दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आज पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया है, और जिसके अंतर्गत 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये का प्रतिपूर्ति की जा रही है, उसके अंतर्गत जसपुर विधानसभा में लगभग 25,000 किसानों को उसका फायदा होने जा रहा है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चल रही है और बहुत जल्दी ये पूर्ण हो जाएगी। लगभग 7,000 किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए अपना कमर कस चुकी है, रणनीति तैयार है, और उसके अंतर्गत जसपुर विधानसभा में त्रिशक्ति सम्मेलन होने जा रहा है, और उसके बाद कमल ज्योति कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके घर पर दीप प्रज्वलित करना, हमारे कार्यकर्ता वहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, उनके यहाँ जो खुशी आई है उसका इजहार करेंगे, और उसके बाद एक बाइसिकल और मोटरसाइकिल रैली जो पूरे विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा की जाएगी। बढ़ते आगे, विधानसभा सत्र समाप्त कर लौटे कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए बजट को भी चुनावी बजट करार दिया है। जसपुर विधायक आदेश चौहान के जरिए प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की नाकामी को गिनाया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। शराब कांड पर सरकार को घेरते हुए बीजेपी सरकार के जरिए बजट को हर वर्ग का बजट पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर भेदभाव के भी आरोप लगाए। किसानों के बकाया न देने और केंद्र सरकार के जरिए किसानों को प्रति साल 6,000 वार्षिक पेंशन योजना को भी धोखा करार दिया है। गरीब जनता कच्चे अवैध शराब पीकर मर रही है, तो हमारा मांग सरकार से ये थी कि ये अवैध काम बंद हो, क्योंकि इससे हमारे जो नई आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। वो तो ये है कि हाथों हाथ उस नशे से आदमी ख़त्म हो गए, लेकिन जितने भी उस अवैध शराब को पीते हैं मैं समझता हूँ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र नहीं जी पाते और हमारी माता बहनें विधवा हो जाती हैं। तो हमारी मांग थी कि भाई अवैध कारोबार बंद हो, इसी का हमारी मांग थी सरकार से, और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, ना कि नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को इतिश्री कर दो, सस्पेंड कर गए कुछ कर गए, क्योंकि वजह क्या है कि एक छोटा कर्मचारी अपने स्तर से अवैध कारोबार नहीं करा सकता जब तक ऊपर उसका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारी मांग थी। फिर दूसरी मांग हमने गन्ने को लेकर रखी कि भाई गन्ने की हालत आज इतनी ख़राब है कि 500 करोड़ रुपया किसान का आज बकाया है फैक्ट्रियों पर, प्राइवेट फैक्ट्रियों पर, और वो पेमेंट नहीं कर रहे किसान को। हमारी मांग ये है कि किसान ने जो गन्ना दिया वो गन्ना गवर्नमेंट को दिया, सरकार को दिया था, सरकार ने जिसको आदेश किया कि भाई इस फैक्ट्री को आप गन्ना देंगे, किसान ने उसको दिया। तो हमारी मांग है कि आप वो पेमेंट आप करिए, और उनसे वसूली कैसे होगी वो आप जाने, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है किसान को जो पेमेंट करना। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार अमेरिका प्रवासी भारतीय और अमेरिका के लोगों के जरिए धन नगरी ऋषिकेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आने वाले 15 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में योग के जरिए जहां आत्मविश्वास और असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने के लिए माध्यम बनाया जा रहा है, वहीं योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पिछले 57 सालों से अमेरिका में कार्य कर रहे अमित गुरुजी ने बताया कि हमने इस योग के जरिए आज इतना जान लिया है कि इसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने अंदर छुपे हुए कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, जिसके चलते अब विदेशी भी योग का महत्व जानने लगे हैं, जो कि हमारे देश की पहचान है। आगे हम हरिद्वार में भी योग करने पर विचार कर रहे हैं। आश्रम का हमारे अमेरिका में है, वो अमृत योगा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसका प्रोग्राम यहाँ किया है, और ये अमेरिका में हमारे हजारों शिष्य हैं, हम वहाँ 1960 से 57 ईयर से सिखाते हैं, और हमने अमेरिका में सबसे बड़ा योगा आश्रम बनाया है,
जो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा है, और जब हमने बनाया था 1982 में तो वहाँ हमारे पास 350 फुल टाइम रेसिडेंट, इतनी अच्छी, विच इज़ द योगा कैपिटल, आई थॉट वी वुड डू, एंड आई थिंक देर आर मैनी मैनी पीपल हु वुड वॉन्ट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ योगा एंड योगा निद्रा दैट आई हैव डेवलप. I call it I am yoga, I am yoga nidra, I am yoga therapy. Everything that we do in yoga, जो भी प्रकार का योग हम सिखाते हैं इसका एक ही अनुभव करना है कि हमें मैं कौन हूँ इसकी तरफ प्रगति करने के लिए ही है. और ये योगा साधना के साथ साथ ही होता है, बाहर में ऐसा योगा नहीं होता है, ये योगा ऑथेंटिक योगा है. Spent the last 30 years helping people master the inner dimension of their lives, and I'm so happy to bring these teachings back to India. You know, India has become the information technology master of the world, and we have mastered science, we've mastered computers, we've mastered medicine, but we also have the technology and the information of how to go within. And I'm so proud to help reawaken these teachings back in India, the birthplace of this ancient inner information technology. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान के उपरांत सफाई कर्मियों का सम्मान करते हुए देश में स्वच्छता के अभियान को तीव्र गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के जरिए किए गए कार्य का समर्थन करते हुए उत्तराखंड विकास मंच के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में हरिद्वार के बिरला घाट पर माँ गंगा के समीप तीर्थ श्रद्धालुओं और उत्तराखंड विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने भारत स्वच्छता अभियान को और माँ गंगा की स्वच्छता के लिए 108 महिला पुरुषों को गंगा पे हरी बनाकर माँ गंगा की स्वच्छता का संकल्प दिलवाया. प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और हम आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार में भी गंगा की स्वच्छता को लेकर यह प्रण लेते हैं कि हम जब तक हैं माँ गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे. जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने कल एक अनोखी पहल की है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की अनोखी पहल नहीं की. जो गंगा पहरी जो दिन रात 24 घंटे माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान चला कर रखते हैं, उनका उत्साहवर्धन करा, उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया इस देश के अंदर. मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी कि स्वच्छता अभियान मेरे देश जो है अग्रिम रहे, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मध्यंतर हो चुका है. 50% काम मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, अब 50% काम जनता को करना है. हरिद्वार में भीमगोड़ा बैरियर में हर की पौड़ी तक है जीरो जोन है, लेकिन वहां ऑटो कार चलते हैं लेकिन ई रिक्शा चलाने की परमिशन नहीं. बता दें कि निर्धारित रूटों पर ई रिक्शा नहीं चलने पर ई रिक्शा चालकों ने कुछ दिनों पहले भी हड़ताल की थी. हरिद्वार के मेयर और प्रशासन ने अनशन खत्म करवा दिया था और ई रिक्शा चलाने की मौखिक परमिशन दी थी, लेकिन जब ई रिक्शा चालकों ने अधिकारियों से लिखित परमिशन मांगी तो अधिकारियों ने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया. ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हमारे साथ प्रशासन ने धोखा किया है. वहीं उनका कहना है कि अब जब तक लिखित में परमिशन नहीं मिलती है तब तक भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे. हम भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हुए हैं, भीमगोड़ा से टेम्पू बस फोर व्हीलर सब चल रहे हैं, एक ई रिक्शा को चलने नहीं दिया जाता, जो कि ई रिक्शा जो है एक प्रदूषण रहित और यात्री की सुविधा युक्त है. हम पहले भी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, यहाँ भूख हड़ताल में हमारे पास ATI आया, यूँ बोले तुम्हारा जो है लिखित आदेश हो चुके हैं और जो है आप भूख हड़ताल समाप्त कर दें. उसके बाद SI कोतवाली और पुलिस चौक हर की पौड़ी चौकी अजय सिंह शाह हमारे पास आए, जो बोले आपको लिखित आदेश मिल जाएंगे और हम ये भूख हड़ताल समाप्त कर दो. इन्होंने हमें जूस पिला के जो है धरना समाप्त करा दिया. ये ऐसा है जी, हम जो है 8 तारीख से लगातार अपनी मांगों के विषय में भीमगोड़ा से हर की पौड़ी बैटरी रिक्शा चलाए जाने के विषय में लगातार हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जिसमें कि हमारी मांगे ना माने जाने पे फिर हमने 11 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ गए. लेकिन जो है हमारे साथ लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे करके प्रशासन ने हमें गुमराह किया है, हमें छला है, और जो है हमें पास देने के लिए हमारा जो है जबरन अनशन तुड़वाया गया. हमारे से वादा किया कि आपको जो है
पास दे दिए जाएंगे। आप अपना अनशन समाप्त करिए। हमारा जो अनशन समाप्त किया गया, हमें झुठलाया गया, झूठा आश्वासन दिया, जिसमें कि हमने जो है प्रशासन के खिलाफ आज से अपना दोबारा जो है भूख हड़ताल पे बैठने का अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उसमें चाहे हमें कितना भी बलिदान देना पड़ जाए, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। खबर लक्सर से है। सांसद रमेश पोखरियाल में पहुंचे हैं, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय योग सेमिनार का समापन हुआ। दरअसल 7 देशों से छात्र छात्राओं ने सेमिनार में हिस्सा लिया। बता दें कि 2 दिन से संस्कृत विश्वविद्यालय में योग सेमिनार का कार्यक्रम चला। देश भर में योग की जानकार योग को लेकर सांसद रमेश पोखरियाल ने दिया। होता है तो उसमें प्यार होता है, किसी के जेब में पैसा भी नहीं तो मिलजुल कर सुख और दुख हमने मिल। वहीं हज कमेटी के नवनिर्मित सदस्यों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मारक ग्रांट के जनता ने सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर हज कमेटी अध्यक्ष शमीम आलम और मुख्यमंत्री के कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी ने नवनियुक्त अध्यक्ष शमीम आलम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तराखंड सरकार मुस्लिमों के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र सरकार ने हज कोटे को 1,75,000 से बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया है, जिसमें अब स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड के भी ज्यादा लोग हज की पवित्र यात्रा कर सकेंगे। राज्य की जितनी योजनाएं वो एक प्रत्येक आदमी को प्रत्येक आदमी उसका लाभ उठा सके। जो जाने वालों के लिए जो सुविधाएं हैं वो उनको अच्छे ढंग से मुहैया हो सके और उसका लाभ उठा सके। इन सब चीज के पीछे कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी उससे समाज को ऐसा संदेश दिया माननीय अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। उसके बाद हमने मांग रखी है कि उत्तराखंड राज्य का कोटा बढ़ाया जाए और यहाँ के जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो अच्छे से जाए और अच्छे से अपना हज करें। बढ़ते आगे, लिटिल चैंपियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर क्षेत्र के लिटिल चैंपियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह किया। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड अरविंद पांडे ने पूरे कार्यक्रम को देश के शहीद जवानों के नाम किया और शहीद परिवार को नमन किया। शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में पाकिस्तान से खिलाड़ी या कलाकारों को उत्तराखंड में घुसने नहीं देंगे। यदि कोई उत्तराखंड की धरती में प्रवेश करेगा तो उसे मारकर भगा देंगे। अरविंद पांडे ने सभी निजी विद्यालयों को NCERT के किताबों लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में 25% जो गरीब बच्चे RTI के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अतिशीघ्र उनकी फीस देंगे। लिटिल चैंपियंस प्ले स्कूल के बच्चों के द्वारा वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि अरविंद पांडे जी आए और हमें आशीर्वाद दिए और उनके दिशा निर्देश भी था कि जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी है उसी पे स्कूल चलेंगे। तो मैंने उनको इस मंच से वादा किया है कि जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट का दिशा निर्देश होगा, NCERT हो, फीस एक्ट हो, ड्रेस हो, सभी हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए इसको हम अपने स्कूल में लागू करेंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई लिखाई हम यहाँ पे कराएंगे। मैं यहाँ स्कूल का वार्षिकोत्सव था बच्चों का, उस वार्षिकोत्सव में शामिल हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को दबाऊंगा नहीं। अच्छी गुणवत्ता युक्त तो शिक्षा देना और सस्ती शिक्षा देना इससे उत्तराखंड गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेवारी है और उसको आजकल मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हमने NCERT लागू की है, अगर NCERT के अलावा कोई भी तरह सुविधा नहीं होगा। हाँ, अगर जो हाई कोर्ट का हमारा जो निर्णय है उस हाई कोर्ट के आदेश का हम 100% पालन करेंगे। तो जिस देश के अंदर कोई राजनीतिक सोच नहीं, आर्थिक सोच नहीं, सामाजिक सोच नहीं, इंसानियत की सोच नहीं, अगर वो लोग हमारे बच्चों की नगर में हत्या कर गए, बेवजह हत्या कर गए, छोटी उम्र में हमारी बेटियाँ हमारी बहनें विधवा कर गए वो लोग, तो दोस्तों सारी इंसानियत का ठेका हमारे पास नहीं है। अच्छा, वो तो छोटी सी पर कर गए, धोखे से कर गए। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि वहाँ का कोई व्यक्ति किसी फॉर्मेट में भी हमारे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे एथलीट हो, चाहे डेकाथलन हो, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, कोई सा भी प्रतिस्पर्धा हो, वो हमारे यहाँ आए ना, उत्तराखंड में आएंगे तो उनकी खुली चुनौती है कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। बढ़ते आगे, खबर रुड़की से है। रुड़की के तेलीवाला गांव में 10 दिसंबर 2018 की वो शाम जो एक परिवार पर कहर बनकर टूटी।
दरअसल सहकारी समिति से वापस घर लौट रहे प्रिंस सैनी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गंग नहर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि अब तक पुलिस मामले में कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक के परिजन इंसाफ की तलाश में गंग नहर पुलिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। वहीं बूढ़े माँ बाप और रोती बिलकती पत्नी की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी और उसके बाद उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिया मुझे कोई समस्या नहीं मिली थी, ना मैं कोई कुछ बताने को तैयार है, ना मैं कुछ पता चल रहा है। इतना समय हो चुका है माता जी, 2.5 महीने हो चुके हैं, तो क्या कह रही है पुलिस? कुछ नहीं कह रही, हम तो 2.5 महीने हो गए, मैं लड़के हम तो जहाँ कुछ भी नहीं कह दिया, हम जा रहे बस नू कह दो देखभाल कर रहे। क्या चाहते हैं बाप? हम तो अपना पता चलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं पुलिस ठा रही, पुलिस की भी सजा मिलनी चाहिए। मुझे मेरे पति का कातिल चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए और सबसे इंसाफ इस बच्ची को चाहिए, जिसके लिए वो तड़पे उसका मुंह भी नहीं देखा मेरे हस्बैंड ने, ना इसने बाप का देखा ना उन्होंने बच्चे का देखा, मुझे इंसाफ चाहिए बस, सबसे ज्यादा इंसाफ इस बच्ची को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब हुआ क्यों ऐसा और कुछ नहीं। यह सर का नाम 10 दिसंबर को ये मर्डर हुआ था, और 10 दिसंबर से अब तक इकलौता तो हमारा बेटा था, वही एक सहारा था और कुछ सहारा है भी नहीं, अब तक कुछ भी हम पुलिस के चक्कर काट रहे काट रहे रोज रोज जा रहे हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई सुनने को तैयार है ना कुछ है, ये कहते हैं कि कर रहे हैं लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। क्या कहाँ नौकरी करते थे वो? कना पनियाला में नौकरी करते थे सोसाइटी में, उसमें सहकारी समिति में। किस तरह मर्डर हुआ था उनका? उनका मर्डर वो आते हुए घर आ रहे थे और रास्ते में मर्डर, पुलिस वाला कह रहे हैं कि कर रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बच्चों का लालन पोषण कैसे हो रहा है? बच्चे क्या बता दें सर, बस खाना भी बस खाना तो खाने को जी करता है ना पीने को जी करता है, ये बस जी ये करता है भगवान हमें ही उठा ले, जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलता है। कितने बच्चे थे मृतक के? मृतक के यही बच्चा था, एक ही पहला ही बच्चा था, यही क्या नाम, ये भी मरने जिस दिन उसके दाह संस्कार हुआ उसके समय ही पैदा हुआ, ये सुबह को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे दाह संस्कार हुआ और शाम को 6 बजे ये बच्ची पैदा हुई थी। अब इसका क्या करें क्या नहीं, इसके लिए तो अपने बाप का मुंह तक भी नहीं देख पाया ना वो देख पाया इसका मुंह, क्या होगा क्या सरकार ने या किसी जो सोसाइटी थी वहाँ से कोई अभी तक सहायता मिली किसी प्रकार? कोई सहायता नहीं सोसाइटी में से, तो अब वहाँ थे कोई भी हमें कोई बात करने को भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। सोसाइटी में भी जैसे जहाँ वे नौकरी करते थे, आप वहाँ पर भी गए हैं, आपने वहाँ कुछ कहा है उनका क्या कहना है? मेरे भाई गए थे वहाँ पर वो आज तक देखने तक भी नहीं आए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की तक, जैसे उनका स्टाफ का आदमी मरा है उसने कोई कार्रवाई नहीं कोई देखभाल नहीं करी उन्होंने, ना किसी को कुछ पूछा ना किसी पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई। हाँ मैं तो कह रहा ये जो वहाँ के गंगनहर थाने के हुए उनसे उनके पास जाता रहता। क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? देखो हम इंसाफ चाहते हैं कि वो हमारा कौन किसने मर्डर किया किसने नहीं उसको सजा मिल जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कि जो हत्या हुई थी थाना गंगनहर क्षेत्र में हुई थी, तो उसका हम लोगों ने जो मर्डर के एंगल से हम देख रहे थे उस वक्त तक, तो वो भी हमने पूरा सर्च किया है लेकिन अभी कोई सफलता हमें नहीं मिली है, और लूट वाली जो एंगल है उसको भी हम अभी छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी हम देख रहे हैं क्योंकि उसका मौके से बैग बरामद नहीं हुआ था, तो उस एंगल को भी देख रहे हैं और बाकी जो और लूटें वगैरह हुई हैं उन्हीं पर फोकस करते हुए इस लूट का अनावरण किया। सर क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक आरोपी गिरफ्तार? इसमें कोशिश की जा रही है, बहुत जल्दी ही इसमें कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ हमें लगता है कुछ जल्दी ही इसमें कुछ रिजल्ट आएगा। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में विधवा महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल महिला की हत्या का आरोप उसके सौतेले दामाद उसकी पत्नी और साली पर लगा है, जिसमें हत्या का कारण संपत्ति विवाद माना जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि देर शाम मृतक संजू का सौतेला दामाद पत्नी और उसकी साली गांव पहुंचे, आरोप है कि देर रात किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी सचिन और उसकी पत्नी ने विधवा महिला की हत्या कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक संजू के शव को पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डेथ हुई है लेडी की और इनका पंचायतनामा भर के पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एलिगेशन ये है कि दवा दवा की इनकी हत्या की गई है और कुछ लोगों का नाम भी उसमें आया है परिवार के ही, तो
पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्दीक हो पाएगा मौत का कारण, और फिर जिनका नाम आया उनके खिलाफ हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं और कार्रवाई। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में इतना ही, नमस्कार।